एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा नाम है पुष्पा, मेरे YouTube चैनल का नाम है आयुष फलसा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और शायद आप लोगों ने देखा ही होगा जो कि मैंने थोड़ा सा क्लिप लगाया है, उसको आप सभी ने देखा होगा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस चीज़ किसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं अपने भाई की जो कि सगाई में गई थी, तो वहाँ का जो भी मैंने रिकॉर्ड किया तो आप सभी को दिखाना चाहूँगी। तो आप सभी को अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि वहाँ पे जो मैं जस्ट जैसे पहुँची थी, तो वहाँ पे जो भी जब पहुँचे थे तो पहुँचने के बाद वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे कि हम लोग कितना टाइम लगा था जाने और आने में। तो दोस्तों, हम वहाँ पे लेट निकले थे, जो कि सुबह वही दोपहर हो गया था, एक डेढ़ बज गया था निकल के निकलते। और सुबह का भी कुछ भी नहीं शूट कर पाए थे कि क्या क्या कैसे मतलब रेडी हुए, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड करती और आप सभी को दिखाती कि मैं किस तरह रेडी हुई, क्योंकि वहाँ टाइम ही नहीं मिल पाया था। जो भी काम करना था मैं मुझे ही करना था, तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। लेकिन जितना भी रिकॉर्ड किया है आप सभी को दिखाऊँगी। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सभी फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं और मुझे अच्छा लगता है वो लोग मेरा वेट करते हैं। और काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि ना आप सभी को ब्लॉग बनाया जाए और ब्लॉग के जरिए आप सभी को बताया जाए, दिखाया जाए जो कि जो जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया था वहाँ पर, तो वो आप सभी को दिखाना चाहूँगी। और जो कि दोस्तों, मैं इसको डाल तो देती पहले ही, पर क्या ही बताऊँ दोस्तों, उसमें इंट्रो नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि वीडियो के लिए इंट्रो बहुत ही ज़रूरी होता है और वही नहीं था, तो इस वजह से उसको हमने नहीं आप सभी के लिए डाल पाए। लेकिन वही इंट्रो मैंने सोचा आज बना देते हैं, बनाने के बाद वीडियो को आप सभी को दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या कैसे हुआ। और हमारे यहाँ आप लोगों के यहाँ भी होगा जो कि कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। और गांव देहात में जितने भी लोग कैसे गांव के हिसाब से, गांव के रीति रिवाजों के हिसाब से कैसे हम लोग वहाँ गए सगाई में। और थोड़ा सा जो कि तिलक भी चढ़ा था वहाँ, वहीं पे ही हम लोगों ने रख दिया था कि एक ही जगह रख देती है ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आने जाने का भी प्रॉब्लम जो उनको हो रहा था तो वो नहीं हुआ उसमें। अच्छा लगा देखकर कि उन्होंने अपना जो कि किया था प्रोग्राम अच्छा रखा था, वहाँ पे सारी व्यवस्था अच्छी थी। और वहाँ से आने के बाद ही लोग हम अपने रूम पे आके रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये जो इंट्रो है रूम से आकर बना रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और दिखाते हैं आप सभी को। तो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि लड़की के ससुराल से, मतलब मेरे घर से, जो भी भाभी के लिए यहाँ पे सामान जो कि कपड़े वगैरह जो जाते हैं शगुन में वो, और जो कि गोल्ड का और जो सिल्वर का जो भी जाता है वो सारा कुछ यहाँ दिखाया जा रहा है। तो यहीं से शुरुआत हो रही थी। और दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि हम वहाँ पे जब पहुँचे थे तो दोस्तों वहाँ का हम पहुँचने के टाइम का कोई कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे नहीं तो। और यहाँ पे जितने लोग ये सामने से दिख रहे हैं, ये जो कहते हैं कि बैठी हैं सामने, ये तो मेरे हस्बैंड जी हैं। और इधर हमारे ये साइड में फूफा जी बैठे थे जो कि मान कहते हैं जो होते हैं, तो उनका ये काम होता है ये सारा जो ये शगुन का जो जाता है शगुन वो खोल के ये दिखाने के लिए रखा जाता है गांव में। तो वही दोस्तों ये कर रहे थे यहाँ पे, और उधर साइड में हम लोग भी बैठे थे। और यहाँ पे जितना भी सामान गया था के लिए वो सारा कुछ रख दिया था। और यहाँ जिसमें थी साड़ियाँ, बच्चों के लिए कपड़े थे, और जो भी जाता है गोल्ड का और
सिल्वर का वो था, तो गोल्ड में था दोस्तों नाक का जो नथ होता है, और सिल्वर में था पायल। तो इनके यहाँ का दोस्तों अपना अपना सबका अलग अलग रिवाज होता है। और दोस्तों यहाँ पे इधर आ गए थे हमारी भाभी, और जो कि यहाँ का ये भी रूल होता है कि जब लड़की आती है बाहर तो हाथ में चावल या कुछ ऐसे जो लेके आती है तो आप लोगों के यहाँ पे होता होगा कि लड़की का जब दूध भरा जाता है तो लड़की के जो ससुराल से जो आता है उन्हीं कपड़ों में उसका भी लड़ाई किया जाता है। और कहीं कहीं होता है कि लोग लहंगा वगैरह पहनते हैं, गाँव गाँव के हिसाब से गाँव के रीति रिवाज के हिसाब से जो हमारे घर से नहीं लगता है। और यहाँ इनके यहाँ एक ये भी होता है कि जो कि छोटी भाभी हो या मतलब बड़ी हो, इनके यहाँ का शगुन होता है जो कि ननद पायल वगैरह जो भी आता है वही पहनाती है। तो यहाँ हम आ गए थे उधर साइड में बैठे थे और इधर आ गए थे जो कि हम लेके जो हमारे घर से गया था भाभी के लिए पायल था, तो यहाँ पे पायल हम पहना रहे थे। और इसके बाद पायल पहनाने के बाद जो कि नाक का नथ है उसको भी पहनाएंगे। तो दोस्तों यही है पायल, आप लोग देख लीजिए। और मैंने आप सभी को बताया भी था कि मैं जितना हो पाएगा मुझसे मैं उतना आप सभी को दिखाने का कोशिश करूँगी। और आप सभी तो जानते हैं कि काम होता है घर में तो नहीं हो पाता है जितना, और करने वाली मैं ही हूँ। तो दोस्तों इस वजह से जितना और ये रिकॉर्ड मुझे नहीं कर पाए थे क्योंकि हम तो काम वगैरह कर रहे थे, और ये जितना भी रिकॉर्ड किया मेरे बेटे ने किया था रिकॉर्ड। और यहाँ मैंने पायल तब तक पहना दी बात करते करते आप सभी से, और पायल पहनाने के बाद जो कि नथ था। और दोस्तों आप सभी को क्या बताऊं कि यहाँ का कुछ इनका रूल था वो जो कि चेंज हो गया था हम लोगों का था। तो हम लोगों का ये था कि हम लोग जो कि अंगूठी का रिंग सेरेमनी होता है, रिंग सेरेमनी, तो वो हम लोगों को करना था, लेकिन यहाँ पे इन लोगों का नहीं था। तो दोस्तों उसको फिर क्या कहते हैं कि उसको फिर हम लोगों को हटाना पड़ा और कैंसिल करना पड़ा उसको। और ये दोस्तों देख सकते हैं नथ। और दोस्तों कैसी लग रही, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, और आप सभी को कैसी लगी जरूर बताइएगा। और यहाँ हमारे भैया हैं जो कि बात कर रहे थे, हंसते भी जा रहे थे। अब चल रहा था भाई का जो कि रस्म होता है, और यहाँ नंदोई जो होती है वो गोद भराई का रस्म करते हैं सरेज का। तो हमारे और यहाँ जो कि होते हैं फल, पांच फल करो बेटिया, पांच फल डाले जाते हैं, और इसमें कुछ मेवा वगैरह होती है ड्राई फ्रूट वो हैं दोस्तों इसमें, और कुछ पैसे वगैरह। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा कुछ ये पीछे ना जो डाल के कम्प्लीट कर दिया। और कुछ अलग ही मतलब गाँव का है किस तरीके से उनके यहाँ का रिवाज है। हम लोगों के यहाँ दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, हमने देखा पहली बार देखा है कि मतलब इस तरीके का होता है। और आप लोग देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसा होता है। और यहाँ हम भी बैठे थे और दोस्तों क्या ही बताएं, बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे वहाँ पे, और ऐसा हो रहा था और खुशी तो इतनी ज़्यादा थी कि अभी से मिलने का ठिकाना ही नहीं था। और यहाँ ये दोस्तों ये रस्म होता है कि इनके यहाँ मुट्ठी से ऐसे भर के चार बार पोछ में ऐसे डालते हैं, और उसके बाद फिर पूरा एक साथ ही डाल देते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ होता है इनके यहाँ, हम लोगों को ऐसा नहीं हम लोगों ने देखा है।
मुझे नहीं पता था और ये इनको माला डाल रही थी, मतलब सम्मान कर रही थी कहते हैं, तो अच्छा लगा देखकर यहाँ पे सभी लोग और हम लोग सभी खुश थे। और यहाँ पे जो कि वो होता है निछावर करते हैं जो कहते हैं कि, और यहाँ पे ये भी कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे। और यहाँ पे ये हमारी दादी जी थी जो कि पापा की हमारी मतलब क्या कहते हैं चाची जी थी, भरने में दादी पूरा भर दो। और यहाँ पे हमने भी कर दिया था और दोस्तों बार बार मुझसे कह रहे थे कि आप भी दीजिए, तो हम तो इधर साइड में ही बैठे थे और वो देखती जा रही थी मुझे और बोलती भी जा रही थी। तो दोस्तों यही हमारा छोटा सा ब्लॉग था। हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी जो कि न्यू भाभी है, भाभी जी वैसे तो मुझसे छोटी हैं, मुझसे क्या, मेरे घर में सभी से, मेरे से और मेरी सिस्टर से और मेरे भैया से, बड़े भैया हैं मेरे, तो उनसे छोटी हैं, छोटे हैं भाई, तो पर कहते हैं कि भाई और भाभी तो भाभी होती, बड़ी हो या छोटी भाभी तो भाभी होती है। तो हम उनको उनका नाम तो नहीं लेंगे, वो हमारी भाभी हैं, हम कितना भी बड़े हो गए लेकिन नाम हम उनका नहीं ले सकते हैं, हमारी भाभी हैं तो भाभी ही कहेंगे। तो हमारी भाभी आप सभी को कैसी लगी और उनका जो भी मतलब जो सामान वगैरह जो कहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर का जो जाता है, आप सभी ने तो देखा पायल और नाक का जो नथ होता है वो दोस्तों हम लेके गए थे, और जो कि रिंग था, रिंग सेरेमनी करना था लेकिन उनकी तरफ से नहीं व्यवस्था हो पाया था, तो उसके लिए दोस्तों उन्होंने शादी का रखा है। तो आप सभी उस वीडियो का वेट कीजिएगा जो कि शादी निकल आया है बहुत ही जल्दी, आप सभी को ज़रूर बताएंगे, अब थोड़ा उसके लिए सस्पेंस रखा है तो उसके लिए वेट कीजिएगा। और आज का ब्लॉग हमारा छोटा सा कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा और अपने प्यार ऐसे बनाए रखिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और ताकि हम आप सभी को अच्छा अच्छा ब्लॉग लाएँ और आप सभी के लिए। और आज का छोटा सा ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और जितना हो सके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, जो भी हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा।